नमस्कार दोस्तों, आज है 11 मई 2020 और आज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ऑन मई 9, 2020 विच ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव स्टैम्प टू मार्क 40th एनिवर्सरी ऑफ इरेडिक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स। 9 मई 2020 को किस संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी ने स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? आपके ऑप्शन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री, कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर है WHO। WHO के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहानोम। ये टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गेव हिज कंसेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 76 कमिटी फॉर स्क्रैपिंग ऑफ हाउ मेनी पोस्ट इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों की छटनी के लिए 76 समिति की सिफारिशों पर अपनी सहमति दी है? 500, 5,000, 9,300, 9,300, 04। तो सही आंसर है 9,300, 04। इसका मेन एम है टू एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्म फोर्स। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR अंडर विच प्रोजेक्ट हैज डेवलप ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने किस परियोजना के तहत मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित की है? आपके ऑप्शन है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, NMIPLI, CSIR, NBRI इनवाइट्स प्रोजेक्ट, COVID-19 प्रोजेक्ट, नन। तो आपका सही आंसर है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। दिस एंटीबॉडी विल न्यूट्रलाइज्ड COVID-19 वायरस इन पेशेंट्स। ये एंटीबॉडीज COVID-19 वायरस को पेशेंट के अंदर न्यूट्रलाइज कर देगा। एट द अर्ली स्टेज द मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वेयर फर्स्ट डेवलप्ड बाय इसराइल। ये पहले सबसे पहले इसराइल के द्वारा डेवलप किया गया था। टिल नाउ ओनली पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी हैव बीन इन्वेंटेड। अब तक केवल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज की खोज की गई है। नेक्स्ट, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज इंक्लूडेड द विच POK रीजन एज पार्ट ऑफ इट्स जम्मू एंड कश्मीर मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन। भारत मौसम विभाग ने अपने जम्मू और कश्मीर मौसम विभाग के किस हिस्से के रूप में कौन से POK क्षेत्र को शामिल किया है? होल POK, गिलगित बलूचिस्तान एंड मुजफ्फराबाद। ओनली गिलगित बलूचिस्तान, ओनली मुजफ्फराबाद। तो गिलगित बलूचिस्तान एंड मुजफ्फराबाद दोनों को इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ गेम हैव बीन पोस्टपोन टू 2000 to 2023। किस राष्ट्रमंडल युवा खेल को 2023 तक के लिए टाल दिया गया है? 6th, 7th, 5th, 8th। तो सही आंसर है 7th। 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम वेयर ओरिजिनली शेड्यूल्ड फ्रॉम अगस्त 1 to 7, 2021। द डिसीजन टू पोस्टपोन द इवेंट वॉज टेकन बिकॉज द डेट्स वेयर क्लैशिंग विद द टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक से इनके डेट्स क्लैश हो रहे थे, इसलिए इसको बढ़ाया गया था। The Tokyo Olympic was scheduled to take place from July 23rd to August 2020, but due to widespread COVID-19, the game were postponed and rescheduled for 2021. Next, on May 10, 2020, the Government of India had launched Mission Sagar. The operation is being conducted under close cooperation ऑफ विच मिनिस्ट्री। भारत सरकार ने मिशन सागर लॉन्च किया है। यह ऑपरेशन किस मंत्रालय के सहयोग के तहत चलाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, बोथ, नन। ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आंसर सही सी होगा।
as part of Government of India outreach amidst the ongoing COVID-19 pandemic, Indian naval ship KCD has departed for Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar and Comoros to provide food item, COVID related medicines including HCQ tablet and special Ayurvedic medicine with medical assistant team. तो ये मालदीव, मॉरिशस, सेचिल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस को खाना पहुंचाएंगे, कोविड से रिलेटेड मेडिसिन, स्पेशल आयुर्वेदिक दवाइयां, साथ में मेडिकल टीम को भी भेजा है इन्होंने। उन यहाँ अपने यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ देखने के लिए कोई नहीं है, लेकिन ये इतना खर्चा करके उधर जरूर भेजेंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, The Supreme Court of India recently pronounced its judgment that which kind of bank also shall be placed under SARFAESI Act. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपना निर्णय सुनाया कि किस प्रकार के बैंकों को भी SARFAESI अधिनियम के तहत रखा जाएगा। Commercial banks, NBFC, cooperative banks, none of the above. Commercial bank तो पहले से है ही। NBFC होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ये तो जब नॉन बैंकिंग है तो यहाँ पर SARFAESI एक्ट आएगा ही नहीं, तो बच गया कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर ऐसा हुआ है, अब देख लेते हैं। एपेक्स कोर्ट हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोऑपरेटिव बैंक हैव आल्सो कम अंडर डेफिनेशन ऑफ बैंक्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रेगुलेट होता है तो SARFAESI एक्ट क्यों नहीं इस पे लगेगा, इसलिए SARFAESI एक्ट के अंदर ये भी काम करेगा। द कोर्ट हैज ऑल्सो रूल्ड दैट अंडर SARFAESI एक्ट द पार्लियामेंट हैज पावर टू प्रोवाइड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी ऑफ लोन अंडर द एक्ट। अब SARFAESI एक्ट क्या है, थोड़ा इसको देख लेते। SARFAESI एक्ट इज अ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इसका ये फुल फॉर्म है। द बैंक यूटिलाइज The Act as a tool to receive bad loans. जो लोन ऐसा होता है कि लोग देते नहीं है, लेके लोन रिटर्न नहीं करते, तो बैंक उसको बैड लोन के कैटेगरी में डाल देता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि ऐसा लोन तभी, कुछ एक लोन का कैटेगरी है जिसमें बैंक कुछ सिक्योरिटी रखता है उस पर्सन से जिसने लोन लिया है, और जब वो लोन बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है, जब बंदा रीपेमेंट नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को कोर्ट के हेल्प से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने नाम पे करवा के उसको बेच देती है या उसको रिकंस्ट्रक्ट करती है, ताकि वो अपना जो लॉस है उसको कवर कर सके। द एक्ट प्रोवाइड प्रोसीजर टू ट्रांसफर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, वही वाली बात हो गई कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है तो उसको कैसे ट्रांसफर करवाया जाएगा, तो कोर्ट इसमें ऑर्डर करती है। मैं भी इसमें कई बारी अपॉइंट हुआ हूँ एज अ रिसीवर, कोर्ट मुझे अपॉइंट करके भेजती है कि ये प्रॉपर्टी है, आपको ये प्रॉपर्टी रिसीव करना है, जो करंटली पोजीशन में है जिनको, उनको वहां से निकालना है, सील करना है, और पोजीशन जो है जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको उसके हैंड ओवर करना है। तो मैं कई प्रॉपर्टी में एज अ रिसीवर अपॉइंट हो चुका हूँ कोर्ट के द्वारा, और सक्सेसफुली वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर चुका हूँ फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहा है। द एक्ट एम्पावर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू टेक ओवर इमोवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें वही है, इमोवेबल प्रॉपर्टी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेक ओवर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, जहां ये SARFAESI एक्ट लगेगा, और उसको बेच के या उसको रिकंस्ट्रक्ट करके या कुछ भी उसमें करके वो अपने लॉस को रिकवर कर सकते। द सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैव डिमांडेड हाउ मच मंथली कैश सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर नीडी हाउसहोल्ड, जो जरूरतमंद परिवार है उसके लिए ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार से कितनी मासिक नगद की सहायता की मांग की है। 5,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ, 7,500 पर मंथ, सही आंसर है 7,500 पर मंथ। नेक्स्ट, फॉर फॉर्मर JNK चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती PSA डिटेंशन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। PSA पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट होता है, चल देख लेंगे आगे अभी क्या होता है वो भी, ठीक है।
30 days, यानी वहां मंथली पूछा तो 30 days, कम से कम महीना से शुरू होगा, 30 days, 60 days, 90 days, 50 days, सही आंसर है 90 days, 3 महीने के लिए कर दिया है। डिटेंशन फॉर फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती अंडर स्ट्रिंजेंट पब्लिक सेफ्टी एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 3 मंथ आवर बिफोर इट वॉज टू एक्सपायर। जैसे ही इनका डिटेंशन एक्सपायर होने वाला था उसके 1 घंटे पहले ही इसको 3 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वो अपने घर में नजरबंद रहेंगे। लाइक वाइज द डिटेंशन ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर एंड सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर एंड सीनियर पीडीपी लीडर एंड अंकल ऑफ मुफ्ती सरताज मदानी वॉज ऑल्सो एक्सटेंडेड बाय अनदर 3 मंथ। इन दोनों को भी, मोहम्मद सागर और सरताज मदानी को भी 3 महीने के लिए, और इनका भी डिटेंशन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 PSA इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, लॉ अंडर विच अ पर्सन इज टेकन इन टू कस्टडी टू प्रिवेंट देम फॉर एक्टिंग हार्मफुली अगेंस्ट द सिक्योरिटी स्टेट और द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर और स्टेट के सेफ्टी के को बचाने के लिए ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, आइदर सेंड आइदर उसको जेल में रखेंगे या उसी के घर में नजरबंद, जैसे अभी महबूबा मुफ्ती को रखा जा रहा है। ये है महबूबा मुफ्ती। विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप कॉन्टेक्ट लेस सैनिटाइजेशन कैबिनेट कॉल्ड डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर विच हैज बीन डिजाइन टू सैनिटाइज मोबाइल फोन आईपैड लैपटॉप करेंसी नोट चालान्स एटसेट्रा। किस संस्थान ने रक्षा अनुसंधान प्रावैज्ञानिक सैनिटाइजर नामक एक संपर्क रहित संसेचन कैबिनेट विकसित किया है जिसे मोबाइल फोन आईपैड लैपटॉप मुद्रा नोट यानी कि कैश चालान आदि को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, CSIR, DRDO लैब हैदराबाद, IIT बॉम्बे। आजकल IIT ने बहुत रोज रोज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ निकाला है, बट इस टाइम IIT नहीं है, इस टाइम DRDO लैब हैदराबाद है जिसने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मशीन होगा, कैबिनेट होगा, उसके दर खोलेंगे और उसके अंदर मोबाइल लैपटॉप बैग पर्स कैश आईपैड करेंसी नोट्स वट एवर जो भी है रख देंगे और जो टाइमिंग होगा उस टाइमिंग के बाद जैसे सैनिटाइज होगा वो खुल जाएगा और आप सैनिटाइज मोबाइल वापस यूज कर सके। आज के लिए अपना MCQ यहीं स्टॉप करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अच्छा ना लगे तो क्यों अच्छा नहीं लगा प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।